डिजिटल लॉक भी टूट जाए, ये तोड़ दिया डिजिटल लॉक। लेट्स गो। और ये फोटो मिल गया और एक। तो गाइस अपन फोटो बनाए या नहीं बताओ, फोटो भी बनाते हैं गाइस, फोटो भी बनाते हैं लोगों को। ये भी एक फोटो रख दिया हूँ। अब स्क्रू ड्राइवर को ऊपर रख के आता हूँ गाइस। और गाइस शॉटगन भी रेडी हो चुकी है, शॉटगन का सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए अभी। स्क्रू ड्राइवर को अभी ऊपर रख के आता हूँ गाइस। आपको पता ही होगा भाई स्क्रू ड्राइवर को कहाँ पे, स्क्रू ड्राइवर का स्पाइडर की के इसमें भी यूज़ है, मतलब स्पाइडर के यहाँ पे यूज़ भी है भाई। तो गाइस अभी मेरे को अभी शॉटगन बनानी है, तो शॉटगन का बीच वाला पार्ट चाहिए, वो मेटल का बना होता है गाइस, आपको भी पता होगा भाई। मेटल का पार्ट ये रहा गाइस, पार्ट ऑफ शॉटगन उठा लिया मैं अभी। इसको भाई मैं रख देता हूँ शॉटगन से, अभी शॉटगन से ग्रैनी को मारेंगे गाइस अपन, ठीक है। तो गाइस शॉटगन रेडी हो चुके हैं आई थिंक अपनी, हाँ हो चुके हैं गाइस। तो गाइस ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं, मैं ग्रैनी को क्लोजअप में नहीं बुलाऊंगा, वहाँ पे ऊपर ही मारूंगा गाइस। ग्रैनी का खात्मा ऊपर ही करते हैं। तो गाइस ग्रैनी मतलब खात्मा तो नहीं होगा उसका, टेम्प्रेरी हो, घोस्ट है ना गाइस, इसलिए वो परमानेंट कभी नहीं मरते, घोस्ट कभी भी परमानेंट मरते नहीं है गाइस, वो टेम्प्रेरी मरते हैं। तो गाइस चलो भाई ग्रैनी को मार देते हैं, ये रही अपनी शॉटगन, और ग्रैनी को ढूंढते हैं अभी। तो गाइस ग्रैनी किधर है अभी मेरे को पता नहीं है, लेट्स गो। मैं ग्रैनी को बुलाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से शॉटगन मतलब ग्रैनी शॉटगन का साउंड सुन के यहाँ पे आ जाएगी, देखते हैं गाइस ग्रैनी आ रही है कि नहीं। मैंने वापस से शॉटगन फेंक दी भाई, लेट्स गो ग्रैनी आती है क्या नहीं देखते गाइस, लेट्स गो लेट्स गो। आजा ग्रैनी आजा। तो गाइस ग्रैनी आ चुके, मैं अच्छे से इसको निशाना लेके और ये दे दिया मैंने इसको फटाक से हेडशॉट। तो गाइस मेरे एक एमओ भी कम हो चुके हैं, तो गाइस एमओ लोड कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने एमओ लोड कर दी है। तो गाइस अभी मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे अभी वो नोटबुक लेके आनी है और वो नोटबुक मुझे ऊपर रखना है, और इन दोनों का भी यूज़ पता ही होगा गाइस तुमको। चलो गाइस वो नोटबुक उठा लेता हूँ मैं, जो नोटबुक मैंने देखी थी यहाँ पर, नहीं सॉरी गाइस मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मैंने नोटबुक नीचे देखी थी, दिखाता हूँ गाइस ऐप को, और वो नोटबुक का यूज़ भी बता देता हूँ गाइस। कहाँ पे गई भाई बुक, यहाँ पे ही देखी थी मैंने कहाँ पे, वो सॉरी गाइस वो नोटबुक यहाँ पे नहीं है, मैंने वो नोटबुक ऊपर ही देखी थी, अभी मेरे को याद आया। तो गाइस प्ले हाउस की भी मिल चुकी है मेरे को, अभी एक ही कॉगविल चाहिए। तो गाइस एक और कॉगविल लाते बाद में, चलो अभी लाते गाइस कॉगविल और कॉगविल एंड रिमोट कंट्रोल दोनों का भी लाते। और आपको रिमोट कंट्रोल का यूज़ भी पता होगा गाइस, रिमोट कंट्रोल से अपन वो डोर खोल सकते हैं, और वो डोर खोलने के बाद आपको एक स्प्रे मिलता है और कुछ भी एक आइटम मिलता है। तो गाइस कॉगविल को भी ऊपर रख देते अपन वहाँ पे डोर के पास, अपन जैसे आए थे। तो लेट्स गो गाइस कॉगविल को भी अपन वहाँ पे रख देते हैं एंड रिमोट कंट्रोल को ला के वो डोर ओपन करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस रिमोट कंट्रोल का यूज़ आपको पता ही होगा भाई, स्प्रे उसमें से आपको स्प्रे मिलता है येलो कलर का, जिससे आप ग्रैनी को बेहोश कर सकते हो, मतलब कि अंधा कर सकते हो गाइस। तो अंधा करने के लिए ग्रैनी को अपन मैं दिखा देता हूँ गाइस आपको एक बार यूज़ करके, ठीक है। तो टेंशन मत लो गाइस, स्प्रे का यूज़ बता दूंगा मैं, यूज़ करके बता दूंगा। तो भाई अभी चलते हैं गाइस, चले चलो भाई। नोटबुक भी मिल चुके हैं गाइस, और मैंने ग्रैनी हाउस पूरा चेक कर लिया आई थिंक, मुझे अभी अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। तो गाइज़ आप रेडी हो या नहीं अंडरग्राउंड जाने के लिए बताओ गाइज, अंडरग्राउंड जाने के लिए रेडी हो या नहीं, अंडरग्राउंड और वॉट, लेट्स गो गाइज अंडरग्राउंड चलते हैं। तो गाइज मेरे को ये नोटबुक उठानी है अभी, और ये नोटबुक उठा के मेरे को रख देनी है ग्रैनी के बहन के पास, मतलब कि ग्रैनी के बहन। तो गाइज ये रही ग्रैनी की बहन, और मैं यहाँ पर नोटबुक रख देता हूँ। और भाई ये क्या हो गया भाई बुढ़वा को, ये क्या हो गया भाई इसको, भाई 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 ये क्या हो गया इसको, और यहाँ पे अलग अलग फ़ोटो क्यों रखे हैं भाई। चलो गाइस कोई ना ही फ़ोटो ऐसे ही रखे हैं, मुझे अब कुछ नहीं करना भाई। तो सीधा मुझे अभी मुझे सीधा भाई नीचे जाना है स्पाइडर के पास, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी कुछ सामान लेके देख लेता, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। और गाइस आपको पता ही होगा ये उठ टूटता भी है, और ये इसको तोड़ने के लिए आपको हैमर भी लगता है, और बिना हैमर के भी तोड़ सकते हो। तो गाइस मैं बिना हैमर के तोड़ के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बिना हैमर के तोड़ के बताता हूँ कैसे तोड़ते हैं। मुझे उसके लिए वो चेन कटर लाना पड़ेगा गाइस जो नीचे है। तो रुको गाइस ग्रैनी आ रही है, तो ग्रैनी से भाई थोड़ा छुटकारा पा लेते हैं। और भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये ग्रैनी की बहन क्या कर रही है, रेन क्यों रही है,
तो गाइस ये रेंग रेंग के मेरे को स्पाइडर की देगी। तो गाइस स्पाइडर के लेने के लिए रेडी हो या नहीं बताओ भाई, स्पाइडर की लेने के लिए रेडी हो या नहीं। तो गाइस ग्रैनी कहाँ है अभी, कहाँ है ग्रैनी? तो गाइस मुझे ग्रैनी यहाँ पे दिख गई भाई, क्या ही बचा मैं भाई साहब, क्या ही बचा हूँ। तो गाइस ग्रैनी यहाँ पे ही है और मुझे स्पाइडर की भी मिल चुकी है गाइस। चलो गाइस मैं आपको रिमोट कंट्रोल का यूज़ बताता हूँ, क्या है रिमोट कंट्रोल का यूज़ और क्या नहीं। तो गाइस रिमोट कंट्रोल मेरे को पहले सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, ये रहा रिमोट कंट्रोल, मैं ढूंढ लिया हूँ और यूज़ पे क्लिक करके ये ले लिया रिमोट कंट्रोल और ये ले लिया स्प्रे, पेपर स्प्रे। अब ग्रैनी के मुंह पे छिड़कता हूँ भाई। देखो गाइस ग्रैनी अंधी हो चुकी है, ग्रैनी मेरे को कभी नहीं मारेगी, मतलब 2-20 सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए मारेगी नहीं। देख सकते हो गाइस अंधी हो चुकी है, उसको मतलब कुछ